टू व्हीलर पे, एक्टिवा पे, अप्रूव में मतलब 1 बजे आसमान पे बादल है, ज़्यादा धूप नहीं है, मस्त रही है यहाँ पे। आगे जो क्रॉस आया है तो वहाँ से लेफ्ट साइड हम गए तो पंडरपुर रास्ता है वो, वेड़ापुर पंडरपुर, और राइट लिया तो सीधा इंदापुर के लिए चला जाता है। अभी हम जा रहे हैं इंदापुर के रास्ते की ओर। का जो फेमस शिवामृत दूध संघ है यहाँ से लेफ्ट साइड पे, महर्षि चौक में आए हैं हम लोग। सयाजी वाटर पार्क है, नेक्स्ट वीडियो में वहां का बनाऊंगा। जब नेक्स्ट ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, ये मैंने सृष्टि फोर्ट का वीडियो बना है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखे सृष्टि फोर्ट। अभी हम आए आप लोग के बस स्टॉप पे, यहाँ पे 2 बस स्टॉप है, ये जो देख रहे हैं इधर है आप लोग का बस स्टॉप है। घूमने के लिए बहुत बड़ी सिटी है, सिर्फ टाइम चाहिए, लेकिन वन डे के टूर के लिए अगर आप आते हो तो पूना से आप लोग 180 किलोमीटर है तो, और घूमने के लिए बेहतरीन है। तो वन डे सुबह में आप आए तो आप लोग में देख रहे हैं बहुत सारे पर्यटन स्थल है, ये आप जो वाटर पार्क जा सकते हो, सृष्टि किला है, शंकर मंदिर है, जो देखते हो आप लोग आइए। और वन डे के लिए एक तो घूम सकते हैं जो साइज वाटर पार्क है उसका टिकट 1200 रुपये पर हेड है, उसमें एक टाइम आप खाना और एक चाय इस तरह से रहता है वो टिकट के अंदर। ये आप लोग का बस स्टॉप है, वह हम आए बस स्टॉप के अंदर, देखो यहाँ पे ऐसे बसेस लगे हुए हैं। गांधी चौक में आए हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोल पंप है और ये टू व्हीलर पे पेट्रोल नहीं है। ये पेट्रोल पंप पे मैं आया था तो आपको तो पता है मैं बुलेट का शौकीन हूँ, मेरे पास भी बुलेट है, तो यहाँ पे एक बुलेट आई है MH12 1962 P1 मॉडल है, ये जो भाई 36 ईयर से बुलेट चला रहे, 3 टाइम उन्होंने गाड़ी को बनाया है। पेट्रोल पंप पे आया था तो यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिले अद्भुत, बुलेट का मैंने रिव्यू लिया है तो ये बुलेट का वीडियो शॉर्ट फिल्म में मैं डालूंगा तो आप जरूर देखें, बहुत बेहतरीन अंकल ने गाड़ी रखा है, 3 टाइम उन्होंने गाड़ी बनाया था और 1962 का मॉडल है। ये अकलूस की बाजार पेट है, विजय चौक में आए हम लोग, अभी दोपहर में तो सब दुकान बंद है। यहाँ पे अंदर एक दरगाह है, राजे बागस्वार पीर देवस्थान, तो क्या पाव भाजी खा लूँ, तो यहाँ लक्ष्मी ज्वेलर्स के अपोजिट है पाव भाजी का दुकान है जहाँ पे पाव भाजी बनाई है, चलो खा के देखेंगे पाव भाजी की टेस्ट कैसी है। वो शांति मस्तानी, एक मस्तानी लेता देखेंगे कैसी लगती है। मैंने तो स्पेशल काजू मस्तानी लिया है। कार में बैठे थे, पेड़ की टहनियाँ कैसी हिल रही है, रास्ते भी देखो कितने कागज उड़ के आए हैं, बारिश जोर से आने वाली है, हवा इतनी तेज है, अभी तो धूप गिरी थी और एक देखते देखते 5-10 मिनट में क्लाइमेट ऐसा चेंज हुआ कि पहले हवा छूटी और काले घने बादल आसमान में छाए हुए हैं, तो शायद बारिश का संकेत दे रहे हो, ये फिलहाल तो अभी हवा देती है। A few moments later. ऐसा बच गए रे भाई, पेड़ की टहनी, अभी गाड़ी भी गिरी रही थी, मैं गाड़ी पीछे लिया था, आगे गाड़ी थी मेरी, मुझे पता था ये गिरेगा, वो लोगों की आंख भी गिरी शायद, उनको लगा कि नहीं देखता मैं, तो कुछ लगा नहीं, सिर्फ टहनी गिरी लेकिन जख्म कुछ हुई नहीं, हवा इतनी तेज थी मुझे अंदाज था कि मैं पेड़ के नीचे रुका था, इसलिए मैंने मेरी कार थोड़ी पीछे ले ली
तो इससे यही सलाह मिलता है कि आंधी तूफान में ना पेड़ के नीचे रुकना नहीं चाहिए, ऐसे हादसे होते रहते हैं। आज इसी तरह से पूरा आकलूस घूमा, बीच में बारिश बहुत हो गई, शाम के बजे 6, तो मुझे एक्चुअल शूट करना था सनसेट, इसलिए मैं यहाँ पे एक जो फ्रेंड है उनके टेरेस पे आया था, लेकिन काले घने बादल छाए तो सनसेट का शॉट नहीं दिखा पाऊँगा। आप जितना भी हो सके उतना मैं दिखाने की कोशिश करता। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।